बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या है सर? आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमसे ये मेल भेज के रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे बच्चों ने, कि सर ठीक है, हम लोग की क्लासेस तो अभी चल रही हैं, आप सब लोगों को पता है ना कि हमारी जो भी क्लासेज है अभी ये टेंटेटिव मोड पे है। टेंटेटिव मोड यानी कि क्या होता है कि आपकी एग्जाम्स आने वाले स्कूल में, अब सारे लोगों को पता है। तो जो हम लोग का पहला ओरिएंटेशन सेशन हुआ था उसमें ये बताए थे हम लोग कि अभी जब तक एग्जाम्स नहीं होगा आपके हम लोग सिलेबस को क्रैश कोर्स टाइप खत्म करेंगे। उसके बाद हमारे एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाता है उसके बाद हमारी इन डिटेल सारा जो कोर्स प्लानर है वो बना हुआ फिर से स्टार्ट होगा। ये तो बात बताया जा चुका है ना। बहुत सारे बच्चों ने ये अभी क्वेरी किया था कि सर हम लोग थियरी तो कर लेते हैं या बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, और ये जेन्युइन बात है ना, 1 घंटे में नहीं हो पाता है। तो आप सब लोगों के लिए मंडे से, ठीक है, हमने ये डिसाइड किया है कि जो 10 बजे के बाद वाली क्लास होती है, 9 से 10 ओपन क्लास है, आप सब लोग को पता है, 10 बजे वाला जो क्लास होगा, 10 से 10:15 से 11:15 वाला, उसमें हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। मतलब चैप्टर जो हमने पढ़ लिया ना बच्चे, उसमें क्या करेंगे, जो भी टीचर्स होंगे आपके, ठीक है, कोई भी एक टीचर, जैसे कि मान लो केमिस्ट्री है तो शायद मैं करा रहा हूँ उस टाइम, हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जहां से कि बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के, या जो जो थियोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, या एडवांस लेवल टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना, जो थोड़ा सा एवरेज से ऊपर का है, उन क्वेश्चन को हम लोग वो रात में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जिन भी बच्चों को प्रैक्टिस करना है तो आपको इनविटेशन कार्ड भेजा जा रहा है अभी मेरे द्वारा, कब से, मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों का डिमांड है। ठीक है क्या ये बात, ठीक है क्या ये बात? एंड आई होप कि आप सब लोगों को ये पसंद भी आया, क्यों, क्योंकि ये सारा आप लोगों के लिए ही है। मेनली हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चे, आप समझ पा रहे हो क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच पा रही है, चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि मेनली हम लोगों को क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एग्जाम में, और अगर हम उसका ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है फिर पढ़ने का, आपके पढ़ने का और हमारे पढ़ाने का। तो हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो 1 घंटे की क्लास है सबसे लास्ट वाले, क्योंकि उस टाइम पे आप लोग जनरली फ्री रहते हो, हमको पता है मोहम्मद हाजला, ये बहुत हेल्पफुल होगा, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि आप सारे लोगों के लिए हम लोग वो सेशन रखेंगे और ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ना कि जिन बच्चों को कुछ कुछ डाउट्स जो रह जाते हैं ना, मतलब वो सारा नहीं होता है, कि ओवरऑल तुम्हारा जनरल सेशन रहेगा, हम लोग प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, जिन बच्चों को कोई डाउट रह गया है तो डाउट सॉल्विंग सेशन भी हो जाएगा उसमें, तो वो रोज चलेगा कंटिन्यूअस। तो जिन बच्चों को उसमें आना रहेगा वो लिंक दिया रहेगा, आप आइए प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ, एंजॉय करिए, है ना, मतलब जिस दिन आपका बैच रहेगा उस दिन रात में रहेगा। यहाँ तक डन है, फिर हम लोग अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। गौर से सुनो, ठीक है, गौर से सुनो और समझो। मैंने उस दिन भी बताया था आप सब लोगों को, बच्चों आप सब लोगों को अगर याद हो तो, क्या बताया था मैंने कि पीरियोडिक टेबल 1 पेज का चैप्टर है। मींस अगर आपको वो एक पन्ना याद है, वो अद्भुत पन्ना, मैंने पूछा था सर, बच्चे पूछते हैं सर वो कहाँ है, हमें दे दीजिए, हमें वो प्राप्त हो जाए एक अद्भुत पेज कि जिससे केवल हम 1 पेज पढ़ लेंगे पूरा चैप्टर हो जाए, हाँ जी हो सकता है, ठीक है, वो है पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहला काम, मैंने कुछ होमवर्क दिया था आप लोगों को, मैंने बोला था ना कि पीरियोडिक टेबल में जनरली मैं पढ़ाता कम हूँ, बच्चों से ज्यादा करवाता हूँ, एक होमवर्क दिया था आप सब लोगों को, याद है क्या, फटाफट लिख दो, और कितने लोगों ने कर लिया है हमको जल्दी से बता दो, तब ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी फटाफट। कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने, याद करने को दिया था, सर को याद नहीं करने के लिए दिया था, पीरियोडिक टेबल नाम का एक चीज था कोई, उसको दिया था कि आपको याद करके आना है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने याद नहीं किया है, वो अपना हैंड रेज करो, अभी 6 लोग हाथ उठा रखे हैं, आप लोग हैंड डाउन कर लेना, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने याद नहीं करके आया है ईमानदारी से, ईमानदारी से, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने याद नहीं किया है, हैंड रेज करो आप लोग। अंकित ने नहीं किया है, ईशांजलि ने नहीं किया है, भूमि राणा ने नहीं किया है, और प्रियंका ने नहीं किया है, ज्योति, अंकित कुमार, क्यों बच्चों, क्या मैं जान सकता हूं आप सब लोगों की दुख भरी दास्तान, क्यों नहीं याद हुआ, तो हम तो डांडिया खेलने में मशगूल हो गए थे। हाँ जी फटाफट लिखिए और बताइए। 40 तक लर्न, वेरी गुड मिताली, वेरी गुड बच्चे। होमवर्क मैंने दिया था बच्चे कि 1 to 30 तक आप लाइन में लाइन, 1 to 30 तक
लाइन बाय लाइन और ग्रुप वाइज याद करना है। बातें किए थे क्या हम लोग इसका कुछ ना कुछ? बोलोगे हाँ या ना? सर इतनी आसान है तो है, इतनी आसान है तो है। हाँ जी इतनी आसान है तो है। इस आपके स्क्रीन पे एक दिख रहा है क्या, ब्लैंक पीरियोडिक टेबल है, इज इट विजिबल? काम का चीज बता रहा हूँ आप, जिन बच्चों को नहीं याद हुआ है उनके लिए है ये, और जिनको याद हो गया है उनके लिए भी। इज इट विजिबल? प्रिंसी बनीत साक्षी। अब देखो बच्चों करना क्या है, देखो करना क्या है। सर कुछ ग्रुप भी याद है, ठीक है मोहम्मद हमजर। अब सुन लो, अब मेरी बातों को सुनो, हो गया काम की बात, जितने हमें करनी थी अब बीच बीच में करेंगे, अगर कुछ आपसे पूछना हुआ तो। अभी सुनो क्या सुनना है साहब, कि आप सारे लोगों को मैंने बोला था कि याद करना है, अब जिन्होंने याद कर लिया है वो भी, जिन्होंने याद नहीं किया है वो भी, क्या करेंगे बच्चे? कि आप लोग तो याद कर लिए हो, सबको पता है कि ये गूगल पे जाओगे और ब्लैंक पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लिया, क्या करेंगे सर? गूगल पे जाना है, आप टाइप करना ब्लैंक पीरियोडिक टेबल, वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप प्रिंट करवा सकते हो तो इसको प्रिंट करवा लेंगे, क्या करवाएंगे सर? प्रिंट, और इसका जेरोक्स कॉपी निकलवा लो, 10 कॉपी, और इसको लिखना है। जैसे अब देखो मेरी तरफ ध्यान से देखो, आप सब लोगों को पता है ना, हम बता आपको बताए थे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो पीरियड्स आते हैं, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो ग्रुप आएगा। ये मैंने बताया था क्या? लेफ्ट टू राइट पीरियड होगा, टॉप टू बॉटम ग्रुप होगा। और पीरियड कितने हैं बच्चे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड है और 18 ग्रुप। 7 पीरियोडिक टेबल, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स हैं। इज इट क्लियर? फटाफट हैंड रेज करते जाओ ताकि मेरे को आइडिया लगते जाए कि हाँ आप लोग हो जिंदा एंड स्वस्थ, दोनों आप लोग हैं और हमें सुन रहे हैं, ठीक है जी। तो अब सुनो, आप सब लोग क्या करोगे पीरियोडिक टेबल में बच्चे, कि ये प्रैक्टिस आपको घर पे करना है, जो कि मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ, मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको करना है, और ये काम आज के आज करना है। क्यों? आज कर लिए, दिमाग में बैठ गया, काम खत्म, इट्स ओवर नाउ। उसके बाद केवल तुम्हें क्या करना है, इंजॉय, चिल करो। क्या करना है फटाफट से बता दीजिए मेरे को। करना ये है बच्चे, ये ग्रुप दिख रहा हो क्या तुमको? जैसे ये पीरियड है तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7, दिख रहा है क्या? 7 पीरियड हो गए जो कि लेफ्ट टू राइट चलेगा। एंड ग्रुप कैसे चलेगा सर? लो जी ग्रुप क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से 13 14 15 16 17 18। इज इट क्लियर गाइस? सर कलर चेंज कर दो बच्चे, इसके बाद केवल एक बचा हुआ है कलर, रेड। मैं ब्लू कर देता हूँ, ये जो पेज है ना ये व्हाइट पेज है, तो इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, केवल आपको पता है ना कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लो। रेड कलर आपके आंख पे बहुत खराब असर करता है, तो मैं यूज नहीं करता हूँ उसको दिन के, ठीक है क्या? देख लो और समझ लो, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई और कलर मिल जाए, फिलहाल मेरे पास इतने ही कलर अवेलेबल है ना? तो देखो अब क्या करोगे बच्चे, आप लोगों को पता है ना, ये है इस ब्लॉक, ये है इस ब्लॉक, और जो बीच में तुम्हारे दुबके पड़े हुए हैं डी ब्लॉक, आ रहा है क्या समझ में? और जो किनारे पड़े हुए हैं ये है पी ब्लॉक, और नीचे जो तुम्हारा कहीं सोया रहता है वो है एफ ब्लॉक। सर हम भी सो जाएंगे, सोना नहीं है सबको, जगे रहना है, आ रहा बात समझ में ना? अब क्या करेंगे बच्चे, कि आप सब लोग ना इसमें फिल करोगे, बचपन में पढ़े हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, याद है क्या फिल इन द ब्लैंक्स? वो दिन याद है क्या, वो दिन? अब इसमें फिल करना है, देख के नहीं करना है फिल, देख के फिल नहीं करना है प्रिंसी। आप एक बार पहले जो मेन पीरियड टेबल होगा ना उसको याद कर लेना, और उसके बाद इसको आपको खुद से फिल करना है। इसीलिए मैंने बोला कि 10 कॉपी या उससे ज्यादा भी नहीं करवा लेना जेरोक्स, अगर गलत होता है होने दो, देखना नहीं है, खुद से याद करना है। और याद करने के बाद क्या करना है, कि इसको आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। कैसे? हाइड्रोजन वाला मैंने बताया था आपको उस दिन टेक्निक याद करने का, ये हो जाएगा हाइड्रोजन, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। मैंने फिल कर दिया क्या? इससे किसका फायदा सर का, किसका घाटा आपका? इसमें मेरा फायदा नहीं है, तेरा घाटा है। अरे बात समझ में, तुम सर नहीं करेंगे, घर पे करेगा कौन? फटाफट बताओ आप सब लोग। आ रहा बात समझ में? आ रहा है बात समझ में क्या सर? हम तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल भर देंगे। भर दो ना बच्चे, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप पूरा याद कर लो। एक दो छूट जाता है मैं बुरा नहीं मानूंगा, अगर आप पूरा याद करके फिल कर देते हो। लेकिन ट्राई करना बच्चे, मैंने उस दिन भी बोला था कि 1 to 30 तक आपको याद रहे, मतलब हाइड्रोजन से जिंक तक याद रहे, और ग्रुप में एस ब्लॉक तो पूरा आना चाहिए। जैसे ये क्या हो जाएगा बच्चे बता दो? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। अब 13 मैंने बोला था, तो ये बता दो ना जरा, बोल दो ना जरा, बोल दो भैया, याद है क्या ये सारा? बोल दो। आपको इसी तरह से वहां पे करना है, घर पे क्या करना है, ये सारा चीज करना है। देखो तो और फटाफट एग्री करो मेरे से कि हाँ जी सर ये करना है। इज इट डन? मैंने कर दिया। आप लोग एफ ब्लॉक को अलग क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बच्चे जगह नहीं बचा था, क्योंकि जगह नहीं बचा था। अगर आप एफ ब्लॉक को अलग नहीं करोगे ना, तो फिर प्रोजेक्ट वाला आपको इस तरह से दिखेगा नहीं। तो चीजों को कभी कभी सिंप्लीफाइड वर्जन में करने के लिए तोड़ देना होता है। जब लाठी बांध के नहीं टूटता ना पूरा गट्ठर, तो एक लाठी को तोड़ने के लिए आपको क्या कर देना, खोल देना होता है। जैसे ही वो खोलोगे वो टूट जाएगा। इसी तरह से ही है और भी लॉजिक। ये हो जाएगा क्या होमवर्क? याद करने का तरीका याद है ना कि फिर से बताऊं? याद करने वाला तरीका याद है कि फिर से बताना है? मैं चैट बॉक्स तो ओपन है, फटाफट लिख के बता दो। याद करने का तरीका याद है? या चलो मैं ये खोल देता हूँ, माइक्रोफोन भी ऑन है। फालतू का कोई मत बोलना, जब तक जरूरत ना हो कोई बोलेगा नहीं। फिर से बता दो ना, रुक जाओ 2 मिनट लगेगा, सुन लो। ये काम आपको अपने वर्जन में करना है। मैं जो बता रहा हूँ हो सक ये किताब वताब में नहीं लिखा रहता है, सब लोग खुद से ही करते हैं। तो आपको अपना बनाना है, अपने लिए कुछ भी बना लो, ठीक है? याद होना चाहिए, मूल बात ये है। कैसे? तो हाइड्रोजन वाले के होते हैं हिलिना के रब से फरियाद, हिलिना के। देखो तो हाइड्रोजन है ना, लिथियम, सोडियम, तो हिलिना के यानी कि पोटेशियम, रब से फरियाद। तो ये हो गया तुम्हारा ग्रुप नंबर 1, हिलिना के रब से फरियाद। अब ग्रुप नंबर 2, मेरे को पता नहीं यार, जब मैं पढ़ता था तो फिर मैं अपने हिसाब से बना लिया था, और मेरी मदर टंग है भोजपुरी, तो कुछ मैंने ऐसे ही बना लिया था कि बिना मग, दिख रहा है क्या? BEMGCASR है ना, तो बिना मग, मग होता है ना जग, मतलब पानी पीने वाला, उसको मग बोलते हैं। तो बिना मग के, कैल्शियम मतलब के, और ग्रुप 2 से मोहम्मद, रुक जाओ, बाढ़, सीआर होता है, सीआर, सीआर सीआर सुने हो बचपन में? सीआर आता है, भूखता है, चले जाता है रात में। तो मैंने याद किया था कि बिना मग के सीआर बाढ़ समथिंग, ये एक तुम्हारा मदर टंग हो गया भोजपुरी का, तो मैंने उसमें ही बना दिया था। जो भी है, बेटा मांग कार स्कूटर बाप रोए, हाँ मतलब ये सब होगा। मैं उतना अपने हिसाब से मैं कर लेता था, जयकाल, हाँ सत्येंद्र, ठीक है? तो मैं इसीलिए उतना बताना ये नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी बना लो। किताब में सर ये लिखा है, बेटा ये एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, तो आपको जो अच्छा लगता है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अगर खुद का बनाओगे तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप खुद से कर लेना, बेटर होता है। वैसे ही ये है तुम्हारा बाल गंगाधर, 13 का बाल गंगाधर इंडियन तिलक, पढ़े ना हम लोग बचपन में बाल गंगाधर तिलक। तो इसको मैंने कर लिया था कि बाल गंगाधर इंडिया के थे तिलक साहब, तो
वही बाल गंगाधर इंडियन तिलक, और ये कार्तिकेय शिव गणेश पूजा 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 पूजा, बैगन आलू गाजर इन ठेला, जो भी अपनी तुमको नहीं पता है, सब लोगों के अपने होते हैं, कर लो जो करना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि कार्तिकेय शिव गणेश है ना, तीन चीज, कार्तिकेय है, शिव जी है, गणेश जी है, और एसएन है तीन, इसको हम लोग बोलते हैं सन, किसके बेटे हैं, पार्वती। अब कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, सर शिव जी को आप कैसे बोल दिए बेटे, याद करना था यार, क्या कर सकते हैं, कुछ भी बना लो। तो कार्तिकेय शिव गणेशन पार्वती, और ये है एनपी ऐसन, ये भी अगेन भोजपुरी वाला है, मैंने अपने लिए कर लिया। ये होता है ना कि जैसे बनीत जैसा सब कोई है, मैं बोलता है बनीत जैसा सब कोई है हिंदी में, तो भोजपुरी में लोग इसको बोलते हैं कि समथिंग लाइक बहुत लोग हैं, तो ये वैसे ही था कि एनपी ऐसन सब बाई, बाई मतलब होना भोजपुरी में, तो एनपी ऐसन सब बाई, तो अपना अपना होता है। ये है वो स्टाइल से टी पो, ओ को स्टाइल से टिक देना है तो बन जाएगा ग्रुप नंबर 16th, ग्रुप नंबर 16th, ओ स्टाइल से टिपो। और ये फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन स्टैटिन, फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन स्टैटिन, और यहाँ से हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन। हो गए जी तुम्हारे मोहम्मद हांजला, मैं लाउडली ही बोल रहा हूँ बच्चे, एक बार अपना देख लो क्या मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर नहीं पहुंच रही है, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज कंफर्म बच्चे, क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आ रही है ना सौम्य, जल्दी थोड़ी ब्रेक हो रही है और थोड़ा बहुत धीरे बोल रहे मैं आप। सही ही बोलता हूँ हांजला, इतनी भी धीरे आवाज नहीं है हमारी, ठीक है। हम लोग टीचर जो होते हैं ना वो डीजल इंजन होते हैं, जितने क्लासेस लेते जाते हैं उतनी हमारी एनर्जी बढ़ते जाती है, जितने बच्चे एक्टिव रहेंगे हमारी एनर्जी बढ़ते जाती है, जितने ज्यादा बच्चे रहेंगे हमारी एनर्जी बढ़ती जाती है, आवाज धीरे नहीं होगी बच्चे, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ अगर अगर ऐसा कुछ मिसफॉर्चून है कि हाँ तबीयत ही खराब है, मैं बहुत देखो ईमानदार रहता हूँ अपने प्रति भी, और जो हमारे बच्चे आप लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हमारे साथ उनके प्रति भी, मैं क्लियरली आप सब लोगों को उस दिन बोल दूंगा कि हाँ बच्चे मेरी आज तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उस एनर्जी से नहीं पढ़ा सकता हूँ, एंड आई होप एंड आई विश कि हमारे बच्चे कोऑपरेट करेंगे, हमेशा करते भी हैं। फिलहाल ये हो जाएगा क्या, फटाफट मेरे को थम्सअप करो और लिख के बताओ मैंने जो किया हुआ है ये एक्टिविटी आज हो जाएगा क्या घर पे, मतलब आज फिर से पहला एक्टिविटी है कि आप सब लोगों को याद करना है, याद करना है, उसके बाद ब्लैंक पीरियोडिक टेबल को डाउनलोड करना है, प्रिंट करवा लेना 10 से 15 पेज, और ये इस तरह से ही आप लोगों को फिल आउट करना है। इज इट डन, इंटरेस्टिंग लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा क्या, इंटरेस्टिंग होगा क्या कुछ, हाँ जी इंटरेस्टिंग होगा सर, चलो जी फटाफट अब क्या करते हैं सर, अब ये करते हैं बच्चों कि आते हैं हम लोग यहाँ पे, कि हमने पढ़ा था ना पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में हम क्या कर रहे होंगे, तो पहले एक बार देख लो कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, ओवरऑल ओवरऑल देखो, सबसे पहला पीरियोडिक टेबल में तो आपको याद करना है बच्चे, रिमेम्बर, अगर ये नहीं हो रहा ना सबसे फर्स्ट स्टेप, जब तक ये ना हो पीरियोडिक टेबल में आपको कोई थियोरी पढ़ना ही नहीं है, कभी भी नहीं, कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ो ही मत, रिवीजन करना है पहले तो इसका करना है, फिर रिवीजन होगा, समझ गए, तो पहला स्टेप होता है ना कि अगर कोई ताला बंद है तो पहला स्टेप है कि चाबी होना चाहिए, फिर चाबी को वहां लगाओगे तब वो ताला खुलेगा, है ना, तो यहाँ पे भी वही करना है कि पहले स्टेप में पीरियोडिक टेबल को याद करना है, अगर ये याद हो गया तब अब आगे बढ़ना है। इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं, उन बेसिक कंसेप्ट्स को पहले आपको समझना पड़ेगा, अगर उन बेसिक कंसेप्ट्स को हम समझ गए बच्चे, ठीक है, उन बेसिक कंसेप्ट्स को समझ गए तो आपको तीन चीज पढ़ना है, मतलब इस कंसेप्ट्स में तुमको वही आ जाएगा, जैसे कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है ना, ट्रेंड्स क्या होते हैं पीरियोडिक टेबल में, जैसे होता है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक साइज जो होता है, पीरियड में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे घटते जाएंगे, है ना बच्चे, टॉप टू डाउन बॉटम में हम जाएंगे, टॉप टू डाउन ग्रुप में,
तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। तो ये ट्रेंड है, तो आपको ट्रेंड्स पता होने चाहिए। अगर ये पता है साहब, तो तीन चीज का खासा ध्यान रखना। अगर ये तीन चीज आता है तो प्रिडिक्टेबल इज डन। एक आता है कंसेप्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, फिर से ये चीजें बाद में हो या ना हो। एक होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, आईपी। फिर एक आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तीसरा चीज है तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये तुमको तीन कंसेप्ट अच्छे से आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हो जाएगा। उड़िया बोले सर एटॉमिक मास लर्न नहीं हो रहा है, करना पड़ेगा बढ़िया, एटलीस्ट 1 to 30 तो याद करना ही पड़ेगा बच्चे। 1 to 30 तक कोशिश करो, एक बार में कभी भी नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। ना आपको हो रहा है, ना आपके मास्टर जी को हुआ, यानी कि हमको भी नहीं, किसी को नहीं होता है। इट्स जस्ट अ गेम ऑफ कंटिन्यूटी। एक ही चीज को आप, एक बचपन में कहावत पढ़े हो क्या, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। ठीक है, कि अगर आप अभ्यास से करें ना कोई भी चीज, करत करत अभ्यास से, अगर जो प्रैक्टिस कर रहा है, जड़मति होत सुजान। जड़मति मतलब जो मंद बुद्धि भी है ना, वो भी तुम्हारा चतुर बन जाता है, उसका भी दिमाग काम करने लगता है। रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़त निशान। आप कभी बचपन में आप लोग देखे नहीं हो, जो कुआं हुआ था जिसको लोग बोलते हैं वेल, तो उसमें रस्सी से ना उसको पानी को बाहर खींचा जाता था। अरे बात समझ में, तो जहां से जब रस्सी खींचा जाता है ना, तो वो जो पत्थर था ना, तो रस्सी के फ्रिक्शन से उस पे भी निशान पड़ जाता है, मतलब तो वो पत्थर को भी काट देता है रसरी। तो ये बोला है कि रसरी आवत जाते हैं, मतलब फ्रिक्शन, समझ रहे हो, पुल एंड पुश, फ्रिक्शन वाला चीज। तो रसरी आवत जाते हैं सिल पर पड़ते निशान। ये तो बहुत छोटा चीज है यार, मतलब उतनी टफ चीजें जब हो सकती हैं, दिस इज जस्ट अ मेंटल गेम, गेम ऑफ 2 or 3 days। अगर ज्यादा होगा तो इट्स गेम ऑफ 7 days, इससे ज्यादा का नहीं है। 7 दिन तक लगातार करो ना, कैसे नहीं होगा, पक्का होगा। ठीक है, हार नहीं मानना है, ठीक है, हार नहीं मानना। और एक बहुत अच्छा कहावत है, एक आईपीएस ऑफिसर है, वो बोलते हैं कि हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ना है ना, बढ़िया, लड़ना है बच्चों, लड़ो, हार नहीं मानना, कहीं ना कहीं तो आप पहुंच जाओ, हार मान गए तो फिर खत्म, तो लड़ो, हो जाएगा यार गुड़िया, हो जाएगा, बिलीव यू, हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, तो ये इतने सारा चीज करना है। आओ पहले कुछ कुछ हम लोग बेसिक चीज देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लें क्या बेसिक चीज, बोलोगे हाँ ना? हाँ जी सर, दिखा दीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर आई होप कि आप सब लोगों को याद होगा, मतलब जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना बच्चे, पीरियोडिक टेबल, तो दो कंसेप्ट आता है। एक होता है तुम्हारा पुराना कंसेप्ट, ओल्ड कंसेप्ट, जिसको कि कौन प्रपोज किए थे, मेंडलिव्स, याद है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। ये क्लास 9th में पढ़े होगे आप लोग सारे लोग आई होप। और ये कहते हैं न्यू कॉन्सेप्ट, जो कि नया नया, क्या सर आज ही हुआ है क्या पैदा? अरे नहीं, हो गया टाइम, बट नया है। इसको मोसले साहब दिए थे, इसको हम लोग बोलते हैं मोसलेज पीरियोडिक टेबल। ये कब पढ़े? सारे की सारे चीजों को आप सब लोगों ने पढ़ चुका है, कब कब? वो यादें हैं पुरानी, जब हम लोग हुआ करते थे 9th और 10th में। ठीक है, पुराना कंसेप्ट क्या बोलता है, पुराना कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चे? वो ये बोलता है, ओल्ड कंसेप्ट जो मेंडली साहब दिए थे, कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, बोलो बोलो बोलो, एटॉमिक, फिल इन द ब्लैंक्स। मेरे को नहीं याद, मेरे को नहीं याद है। सौम्या, वेरी गुड बच्चे, एटॉमिक वेट। ठीक है,
एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, तो ये एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट का पीरियडिक फंक्शन होता है। ठीक है क्या, इसको वेट कर लो। ठीक है, ये पुराना चीजें थे, तो फिर सर नई नई बातें हमें बताया जाए, हम पुराना चीज नहीं पढ़ना चाहते। फिर आए मोसले, कुछ खामियां थी इसमें, मेंडलिव पीरियोडिक टेबल में कुछ खामियां थी तभी नए आए हैं। सर क्या खामियां थी, जल्दी जल्दी बता दो फटाफट ना। आप अब 9th में और 10th में ठहरे हो ना, मैं आप किसी वो लॉकडाउन वाले पीरियड में पढ़ा रहा हूँ, तो बीत गई वो बातें जी। जाइएगा 10th को फिर से रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, सॉरी फॉर टुडे। पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आइसोटोप्स वाज नॉट एक्सप्लेन्ड गुडिया। साक्षी ठीक है, परेशानी थी। ठीक है, आप लोग उसमें से एक एक परेशानी को लिस्ट आउट कर रहे हो एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, हाँ मोहम्मद, हाँ जी, नया कंसेप्ट मोस्टली सामने बोले ना कि जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होता है ना एलिमेंट्स का, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगा ना, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा उनके एटॉमिक नंबर का, ना कि मास का। आप मास पे मत जाओ, मास पे आप ना जाओ, आप किस पे जाओ, एटॉमिक नंबर। तो ये बोलते हैं कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक, बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, याद है इतना हमारे बच्चों को। ठीक है, अब हमने आपको तो एक होमवर्क दे चुका है कि आप सारे लोगों को याद करके आना है पीरियोडिक टेबल, याद करके। आई होप कि मेरे बच्चे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करें ना बच्चे, कुछ देखते हैं कि क्या होता है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है ना, अगर ये कोई एलिमेंट है तो हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जो टॉप में लिखा रहता है हम लोग यहाँ पे एटॉमिक मास लिखते हैं, और ये जो जेड होगा उसका ये एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है। याद रहेगा क्या आप सब लोगों को, याद रहेगा क्या? जैसे किसे कुछ लिख के बता दो, बोलो ना। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर एक, एटॉमिक नंबर एक, और एटॉमिक मास एक। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। उल्टा मत कर देना, यहां तक ठीक है क्या बात? अगर यहां तक ठीक है बच्चों, तो याद है कि आप सब लोगों को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऑफ कर्व प्रिंसिपल पढ़ाए थे, याद है क्या? वहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करना सीखे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्यों बता रहे हैं साहब? क्योंकि बच्चों को आना चाहिए, अगर ये बातें नहीं आएंगी तो फिर हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलोगे हाँ यार, तो अफबाउ प्रिंसिपल वहां पे मैंने पढ़ाया था, पढ़ाया था क्या, बोल दो ना जरा। अफबाउ प्रिंसिपल मैंने क्या बोला था, आ जाओ जी, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। मैं, हम मिस्टी बच्चे, मैं एक बार वही बता रहा हूँ। ये हमारा जो है ना, आप सब लोगों को पता है ना कि पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे फिर बाद में कभी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको ओवरऑल पीरियोडिक टेबल से ना आइडिया लग जाए क्या होता है कैसे होता है। तो मैं कुछ कुछ ना आप लोगों को हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। सर कब लिखवाएंगे, कब क्या कराएंगे, सब मिल जाएगा, सब आपको पीडीएफ वर्जन में मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, मिल जाएगा, और ये हम लोग बाद में डिटेल्ड पढ़ेंगे भी जब हमारी एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी एग्जाम्स बाद। अभी तुम एक बार देखो और समझो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। फिर 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, 3d, 4d, 5d, 6d, 7d, 4f, 5f, 6f, 7f। इसके बाद चलाओ ना
हाथों से बांट रहे। क्या सर, हम तो नैनों से बांट रहे सुने थे। ये बच्चों नैन से नहीं बांट चला रहे यहाँ पे। 7D नहीं होता है। कहाँ है गुड़िया? तो पहले क्या सेवन बढ़िया, एफ क्या आएगा फिर हो सेवन जाएगा, एफ स्टील हो जाएगा। मैं बता नहीं सर। रहा हूँ, सुनो कैसे चलाएंगे बच्चे। तो आपको मार्स से, यानी कि मार्स मतलब सर आपको कोई भी ऊपर से लेकर आ रहा है तीर को, और जो जमीन की तरफ आ रहा होगा, देख रहे हो कितना मस्त आ रहा है जमीन से, मार्स से जमीन की तरफ तीर। ये रुको यार, रुको रुको, मार्स से यहां तक आएगा। आने के बाद क्या करेंगे सर? आने के बाद क्या करेंगे गुड़िया? एक बार तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर का मैंने जाके क्वांटम नंबर पढ़ो। ये करेंगे, वन से आएगा, पहले कटते जाएगा। आप पहले ऊपर से काटते चले जाओ, तीर चलाते जाओ, जो बीच में पड़ता है सबको काट दो। काट दे सर? हाँ जी काट दो। देखो कैसे काटते हैं सर, तब तो मैं बताऊंगा क्यों काट रहे हैं। ये लो जी, पहले वन को काट दिया, फिर टू एस की तरफ आए और काट दिए। जब 2P की तरफ हम आएंगे तो 3S को भी लेके जाएंगे, फिर 3P को आएंगे तो 4S को लेके जाएंगे। जो 3D को काटेगा वो 4P को और 5S को काटते हुए चला जाएगा। जो 4D को काटेगा वो 5P 6S को काटते हुए चला जाएगा। जो 4F 5D 6P 7S को काट देगा। 5F 6D 7P को काटेगा, 7F 6F और 7D को, और लास्ट में 7F। क्या ये सर काट रहे हैं आप? क्यों काट रहे हैं? इतना कत्ल मचा दिए हैं आप, तो खून की नदियां बह गई हैं। देखो क्या फायदा हुआ, जिस ऑर्डर में मैंने काटा है ना बच्चे, जिस ऑर्डर में वो तीर काटते गया है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। हाँ जी, जिन बच्चों को सीखना था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर से देख लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, रोज रोज नहीं मैं मिलता हूँ, तो जब मिल रहा हूँ तो सीख लो। अब मैं ही बताऊंगा ये बार बार, रिकॉर्डेड वर्जन में देखना बाद में, अगर आज नहीं समझ में आया तो फिर खत्म। देखो, जो पहले कटा है उसकी एनर्जी कम। सर एनर्जी तो सर ठीक है, मैं तो इसे सीख गया। बहुत बच्चे बोलेंगे सर एनर्जी निकालने का कोई एक अच्छा तरीका भी है क्या? मैंने जब पढ़ाया था ना अफबाउ प्रिंसिपल, तो वहां पे एन प्लस एल को पढ़ाया था, ये एनर्जी निकालने के लिए। अब ये एन प्लस एल क्या बोला है सर? एन होता है बच्चे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद है क्या मैंने बोला था कि वो एक एनर्जीज को डिफाइन करते हैं, एन और एल। तो जिनका एन प्लस एल का वैल्यू होगा छोटा, जिनका एन प्लस एल की वैल्यू होगी छोटी, उनका एनर्जी होगा कम, पहला। मैंने फिर दूसरा पॉइंट उसमें बताया था एन प्लस एल रूल में, कि अगर मान लो एन प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया दो एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, तो जिसका एन का वैल्यू कम, मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम, उसकी एनर्जी हो जाएगी कम। यहां तक याद है क्या? अगर यहां तक याद है तो गौर से देखो। मैंने उस दिन ये भी बताया था कि एल इज इक्वल टू 0 होता है एस सबसेल के लिए, अगर याद हो तो। एल इज इक्वल टू 1 होता है बच्चे पी के लिए, एल इज इक्वल टू 2 होता है डी के लिए, एंड एल इज इक्वल टू 3 होता है एफ के लिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अब याद कर लो। ठीक है क्या? अब एन प्लस एल निकाल लो। जैसे 1s है ना, तो यहाँ एन का वैल्यू क्या है बच्चे? 1, और एल का वैल्यू क्या हो जाएगा? एस है ना, एस, एस में एल का वैल्यू होता है 0, तो 0। एन प्लस एल क्या हो जाएगा बच्चे? बोलो ना, 1 + 0 1 बोलोगे, तो ये 1s का वैल्यू। अब 2s का निकालो, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, और एल का वैल्यू है 0, तो एन प्लस एल कितना हो जाएगा? 2 बोलोगे, हाँ या ना। 3s का निकाल रहे हैं सिमिलरली, चाहे मान लो 2p का निकाल रहा हूँ, 2p का यहाँ से एन का वैल्यू है 2 और एल का वैल्यू है यहाँ से 1, तो एन प्लस एल कितना हो जाएगा? 3। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? 1s में n प्लस एल है 1, 2s में n प्लस एल है 2, 2p में n प्लस एल का वैल्यू है 3। बोलेंगे हाँ जी ना, बोलेंगे ना, फटाफट बोल दो ना जरा, बोल दो ना जरा। बढ़ रहे हैं क्या जी? एक का वैल्यू है 1, 2s का वैल्यू है 2, 2p का वैल्यू है 3। तो जिसका वैल्यू हुआ कम उसकी एनर्जी होगी कम, एज सिंपल एज दैट। जिसका वैल्यू होगा कम उसकी एनर्जी होगी कम, एज सिंपल एज दैट। तो आप आओ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो मेरे साथ, अगर वो निकालने आता है तो निकाल लो। लेकिन राज की बात सुनो, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। क्यों, राज के बाद दूसरा क्वेश्चन लिया था?
अब कोई राज हो गया, देखा सर मेरी बातें कर रहे हैं क्या, तुम्हारी बातें नहीं हो रही राज। राज की बात यह है कि तीर चला दो, जो पहले कट गया वो छोटा हो। चलो जी, पहले कटा था 1s सबसे छोटा, फिर कटा 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s, ऐसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। आ रही है क्या बात समझ में? आ रहा है क्या बोलोगे? इज इट क्लियर? इज इट क्रिस्टल क्लियर? क्लियर क्लियर नहीं यार, अब तो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है क्या बच्चों? अब अगर कोई पूछ दिया ना, जब मैं 1s2 लिख रहा हूँ और 2p6 लिख रहा हूँगा, चलो नलायक हूँ, मेरे को पता है, कोई ना कोई जरूर पूछ देगा कि बच्चों एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मत कोई पूछ देना कि सर क्यों। मोहम्मद हांजला बच्चे, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? आप इसके पे क्यों जा रहे हो? एफ नहीं जाता है ना, आपके पास 108 इलेक्ट्रॉन है, भर के देख लो कहां तक जाएगा। मोहम्मद हांजला बच्चे, मेरे बच्चे, एक बार भर के देख लो, दिखा दूं तुम्हारी खातिर, एडिशन करवा दूं, बोल दो बोल दो। मैं आप लोगों को उस लेवल पे पढ़ा दिया हूं ना क्वांटम नंबर, आप लोगों को ये दिखना चाहिए और चमकना चाहिए। वो इसलिए हो रहा है ना कि मेरे को पता है, मेरे लाख बोलने के बावजूद जो भी हमारे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, अपने हाथों से कॉपी पेन पे नहीं करते हैं। आप इंतजार करते रहते हो कि कब मैं PDF भेजूंगा। जिस दिन मैंने बोला था कि अपने हाथों से तुम कर लोगे, मैं ये लिख रहा हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस हो रही है ना कि आपकी। इसीलिए टीचर्स को एक चीज याद रहता है, क्यों? एक ही चीज को हमें लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ कितने सालों से, मेरे को याद है कि मैं रोज लिखता हूँ, आप लोग नहीं लिखते हो। अगर क्वांटम नंबर तुम लोग लिखे होते जो मैंने बताया था, तो जो भी बच्चे ये बोल रहे ना कि ये होता है नहीं होता है, बच्चे वो बहुत छोटी चीज है। आप इलेक्ट्रॉन्स को भर दो, अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो क्या, नहीं मिलेगा, डजेंट मैटर्स। पी में बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14। कोई गलती से भी अगर गुस्ताखी कर दिया ना कि सर बता दीजिए क्यों, तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, क्यों? जाइए क्वांटम नंबर का लेक्चर मेरा देख लो, पता चल जाएगा क्यों। अब आ जाओ फटाफट मेरे बच्चों। क्या जी सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियम। मैं 10 तक का लिखूंगा, इसके बाद वाला सर कौन लिखेगा? हम इतना मेहनत क्यों करें? क्यों करें सर हम इतना मेहनत? मन में होगा किसका? जैसे मान लो जानवी है, गुड़िया है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ बच्चे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, डी का मैक्सिमम 10 होगा। बच्चे जानवी सोच रहे कि सर 10 तक ही आप क्यों करेंगे, 30 तक हम करेंगे, 10 तक आप करेंगे। हाँ जी, मेरे को कम आता है तो मैं कम करूंगा, आपको ज्यादा आता है, आपको ज्यादा करना है, एग्जाम में आपको बैठना है, मेरे को नहीं बैठना है, समझ रहे हो क्या? चलो जी, हाइड्रोजन में कितना है? एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पता है ना? तो यहाँ पे भरो 1s, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब s की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की, लेकिन हाइड्रोजन के पास है केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन, तो जितना है उसमें वहां डाल दो, तो 1s1। हीलियम में 2 है तो 1s2। लिथियम में 3 है तो 1s में तो पहले 2 भर गया, 1s खत्म फुल, 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है लिथियम का। अब वो कहाँ जाएगा? 2s में, जो अगला है। तो 2s की कैपेसिटी है बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन है तुम्हारे पास 1, तो केवल 1 डालोगे। बेरिलियम 1s2 2s2, बोरोन 1s2 2s2, 2p में अब चला जाएगा 2p1, कार्बन 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, क्लोरीन 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5 और नियोन 1s2 2s2 2p6। ए बोलो जी बच्चों, यहां तक तो क्लियर है ना? मैंने उस समय बोला था कि बच्चों आपको 2 क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम है 24 और कॉपर है 29 एटॉमिक नंबर,
ये एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा लीक से हटके हो जाता है। ठीक है क्या, बता दूं क्या, बोलो ना, मन है क्या, जानने का मन है क्या? जानने का मन होगा तो जल्दी से बता दोगे ना फटाफट, ये बोलो ना जरा। हाँ जी सर, जानने का मन है, आ जाओ आ जाओ आ यस जाओ आ जाओ। चलो जी, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, आ जाओ। एक तरीका है लिखने का, या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन यानी कि एटॉमिक नंबर 18 तक डायरेक्टली हम लोग लिख दिए, फिर क्या होगा सर, 4s2 3d4। देखो तो आर्गन का होता है एटॉमिक नंबर 18, 4s2 यानी कि 20 और 3d4 यानी कि 24, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, लो यार क्यों रोते हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये देखो ना 18 हो गए, के 2 2 4 6 10 12 6 18, बोलो ना आर्गन तक कंप्लीट, फिर 4s2 3d4। और पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीवाने, आवारा दीवाने, मतलब बोलो ना आवारा पागल दीवाना है कौन, हमारा प्यारा इलेक्ट्रॉन, आवारा पागल दीवाना है कौन, हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या होता है क्रोमियम में केस ना, जरा तुम देखो, उससे पहले एक स्लाइड आओ, पहले एक आता है कंसेप्ट बच्चे स्टेबिलिटी का, एक कंसेप्ट समझो स्टेबिलिटी। ये बोलता है बच्चे कि फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विथ इट, एसोसिएटेड विथ इट। अब गौर से समझो कि जो फुल्ली फिल्ड होते हैं, जैसे कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम, तो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। बोलो ना बच्चों, पी की कैपेसिटी है मैक्सिमम 6, और मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है, नियोन को देखो, नियोन को एनी एटॉमिक नंबर 10, 2p6 है क्या, पी मैक्सिमम 6 रख सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो फुल्ली फिल्ड है। अब आ जाओ नाइट्रोजन, गौर से देखो स्क्रीन पर नाइट्रोजन मेरे बच्चों, देखो देखो तो 1s2 2s2 2p3 है क्या, पी की मैक्सिमम कैपेसिटी है बच्चे 6 की, लेकिन वहां पे कितना है, 3 दिख रहा है क्या, यानी कि वो हाफ फिल्ड है। तो जब भी तुम्हारा हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हो, तो उस केस में उस एलिमेंट के पास एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है, इस चीज को ध्यान रखो, ठीक है। और दुनिया में सारे लोग इंक्लूडिंग वस ह्यूमंस, हर लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी चाहते हैं, काश कोई हमें स्टेबल बना देता। देखो यहाँ पे, अब आ जाओ फटाफट, दिख रहा क्या ये क्रोमियम बच्चों, बोलोगे फटाफट, ये जो तुम्हारा है ना 4s2, इसका हम लोग ऐसे बनाएंगे डब्बा डायग्राम। तो ये है तुम्हारा 2 और ये है तुम्हारा d, गौर से देखना, 1 2 3 4, दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन फ्लोरिन फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड। ए माथुर गर्ल्स, माथुर गर्ल्स, ऑक्सीजन में कितना है लास्ट में बताओ बच्चे, हाफ फिल्ड लेके फुली फिल्ड, हैव अ कॉमन सेंस बच्चे, केमिस्ट्री मीन्स स्टार्ट्स फ्रॉम सी विच इज कॉमन सेंस। अगर 3 होगा और 6 होगा तभी ना फुली फिल्ड होगा या हाफ फिल्ड होगा, 3 और 6 है तो है, नहीं है तो नहीं है, जो कि नहीं है। तो एक गौर से देखो अभी आपके अपने अपने स्क्रीन पे, ये जरा गौर से देखो बच्चे, 4s2 में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेयर्ड हैं, ये खुशी खुशी से हैं कि हम तो भाई पेयर हैं, हमारा जोड़ा बना हुआ है और जोड़ा सलामत है। ये जो डी है ना बच्चे, देखो तो ये तड़प रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास है, तड़प रहा है और तड़प तड़प तो मुझे काश कोई हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता, मैं हाफ फिल्ड हो जाता, और जैसे ही मैं हाफ फिल्ड होता मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती, मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाती, तो ये क्या करेगा, आएगा अपने पड़ोसी के पास 3d, बोलेगा ओ 4s2, पड़ोसी बोलेगा हाँ बोलो 3d4, हाँ बोलो 3d4, तो बोलेगा देखो तुम्हारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पड़ोसी पड़ोसी को मदद कर रहे हैं, देखना कैसे, और 3d बोल रहा है 4s से कि तुम्हारे पास है 2 इलेक्ट्रॉन,
एक हमें दे दो ना। फॉरेस्ट मान जाएगा बुरा, क्यों मैं क्यों दूं तुम्हें अपना कोई चीज? तो बोलेगा देखो इसमें तुम्हारा घाटा नहीं है, तुम्हारा घाटा ज्यादा नहीं हो रहा है, तुम फुली फिल्ड से हाफ फिल्ड बन जाओगे, 4S2 से 4S1 बन जाएगा, लेकिन फायदा ये है कि मैं 3D4 से 3D5 बन जाऊंगा। बोलोगे अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर दे यहाँ पे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, और ये भाई साहब यहां से हट जाएंगे, दिख रहा है क्या? बोलोगे ना, यस सर। तो ये बन जाएगा बच्चे 4S1 3D5। अरे 3D5 मतलब ये क्या है? हाफ फील्ड, 4S1 यानी कि हाफ फील्ड। अरे सर अगर हम क्रोमियम को ऐसे लिख दें, क्रोमियम 24 को आर्गन 4S1 3D5, ये तो हाफ फील्ड हो गया। अरे वाह इसमें तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई। अरे वाह नाचने लगेगा ये, बारिश हो जाएगा तुरंत फटाफट, और ये मोर बन के नाचने लगेगा। आ रहा है बात समझ में क्या, कि मैं तो स्टेबल बन गया जी। इसीलिए बोलते हैं ये क्रोमियम जो है ना होना चाहिए था, ये है तुम्हारा एक्सपेक्टेड, ये होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी में ये होता ही है। बोलोगे फटाफट फटाफट बोलो। तो आज हम कुछ लोगों को क्या करवा दिए, सिंगल से स्टेबल बना दिए, समझ गया क्या? एक को मैंने बनाया है, आई होप कि कॉपर को आप सब लोग घर पे जाके स्टेबल करवा दोगे, करवा सकते हो क्या? बोलो ना, अरे बोल दो ना जरा, करवा सकते हो क्या? बनीत, ज्योति, दीप्ति, हार्दिक, बच्चों फटाफट। हाँ जी सर करवा देंगे, करवा देंगे सर, ये तो हमारी काम है। आप बोलो तो सर फिर हम खोल दें एक अपना दुकान। ये सब काम नहीं करना है, कॉपर केवल स्टेबल करवाना है, केवल कॉपर को हम लोग स्टेबल करवाएंगे और किसी को नहीं करवाएंगे। इज इट डन? अगर ये डन है तो एक बहुत छोटू सा सवाल है, इसको फटाफट कर दो, इसका जवाब कोई भी इस पर नहीं देगा। पोल में करना है बच्चों, पोल में करना है, मैं पोल भेज रहा हूँ, मैं पोल भेज रहा हूँ, बच्चे पोल में करेंगे आंसर। ओके देखो गुड़िया इतना चालाक क्यों बन रहे हैं बच्चे, और इतना चालाक भी बन गए तो हम गलत कर दिए चालाक बन के। देखो पोल क्या होगा आप सब लोगों पे, चालाक मत बनो यार। जब मैंने बोल दिया कि आपको चैट बॉक्स में नहीं आंसर करना है, इट मींस कि यू हैव नॉट टू आंसर इन चैट बॉक्स। बढ़िया माइंड इट, आप सब अच्छे बच्चे हो, देन बी वन। चलो जी फटाफट, मैक्सिमम लोग वही बताए ठीक है, कुछ लोग गलत भी बता दिए इतना बताने के बाद भी, ये बड़ी मार मारे जाओगे तुम लोग, ठीक है बहुत मार मारे जाओगे। लिखा हुआ है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है एलिमेंट्स का, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन होता है? मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया था, मॉडर्न पीरियोडिक तो बोले ना बच्चों, एटॉमिक नंबर भूल गए क्या? तुम सारे लोग खुद ही बताते हो, खुद ही गलत कर रहे हो। सर आपने ये तो एक प्रीवियस अच्छा क्लास सवाल में भी बनाओ, क्वेश्चन किया इसका था। आंसर क्या होगा बच्चों, याद है ना एटॉमिक नंबर? बोल दो ना जरा अगला क्वेश्चन, आप सब लोग स्क्रीन पे, ये गलत नहीं करना है, मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, मैं फिर से बताता हूँ, ये तुमको बताना है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर जिनको नहीं पता तो ध्यान दे दो, पीरियड में लेफ्ट टू राइट घटता है, डाउन एरो का मतलब घटना, डिक्रीज, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। क्यों करता है सर? बच्चा इसके लिए हम लोग को ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है वो थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा, ये आज के लेक्चर में पॉसिबल नहीं, तो जब हम लोग जब मेन पीरियड टू पढ़ेंगे तो हम कारण बताएंगे, अभी बस इतना याद रखना, लेफ्ट टू राइट घटेगा, टॉप टू बॉटम बढ़ जाएगा। तो फटाफट पोल में भेज रहा हूं और वहां पे आंसर करेंगे पोल। अरे फिर देखो ये बच्चों तुम लोग कैसे कैसे कर सकते हो, साक्षी शुक्ला
कैसे कर सकते हैं बच्चे ऐसे, गलत बात है ना साक्षी, साक्षी बच्चे गलत बात। जब सर बोल रहे हैं कि आपको पास पोल जाएगा, पोल में जवाब करना है बच्चों, तो बात सुना करो। मैं प्राइज नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे बच्चों के, जो पहले मेरे को बना के दिखा देगा मैं प्राइज दूंगा। देखो आप सब लोग स्क्रीन पे पोल गया होगा, फटाफट देखो और पोल में मार्क करो, फटाफट देखो और पोल में मार्क करो। मैक्सिमम बच्चे सही जवाब कर रहे हैं, वेरी गुड। करेंगे जी करेंगे, फटाफट करेंगे, कर दो ना। मैं बता दूं क्या, काफी बच्चों ने सही जवाब किया। हाँ शिवानी, मैंने देख लिया बच्चे आपका, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है, देख लो। मैं कर दे रहा हूं, मैं कर दे रहा हूं शिवानी, देखो फिर से। ये तुम लोग ना, अब इसके लिए पीरियोडिक टेबल हमको याद होना चाहिए। कैसे सर? देखो तुम पीरियोडिक टेबल में लिखो, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सल्फर में से तुमको साइज का ऑर्डर बताना है जी। कार्बन यहाँ आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन के नीचे सिलिकन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। अब देखो तुम्हें क्या क्या चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर, बोलो कि हाँ है ना। ये शिवानी मैम ने बताया था, तो क्या तुम हमसे नहीं पढ़ सकते हो शिवानी? बताने दो मैम को। क्या क्या आप हमसे पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं शिवानी? देख लो एक बार, रिवीजन हो रहा है ना शिवानी, देख लो, सुन लो एक बार मेरे से भी। हमने बात किया ना बच्चे, पीरियड में क्या होगा, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज घट जाता है, मतलब ये तो पक्का है कि नाइट्रोजन छोटा होगा कार्बन से, नाइट्रोजन छोटा होगा कार्बन से। और ग्रुप में बोलो तो, टॉप टू डाउन ग्रुप में टॉप डाउन क्या होता है, इंक्रीज करता है, बोल दोगे ना जरा बच्चे? तो देखो देखो, यहां से सबसे बड़ा क्या हो जाएगा फिर, सल्फर। क्यों? अरे बोल दो सबसे बड़ा का, सॉरी अगर तुमको ये दिख रहा हो कार्बन और नाइट्रोजन, तो ये दोनों में पहले तुम आ जाओ, कार्बन और नाइट्रोजन में तो छोटा कौन होगा? कोमल, रुको रुको कोमल, कार्बन नाइट्रोजन में पहले मैं जो पूछ रहा हूँ फटाफट बता दो, मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, कार्बन और नाइट्रोजन में छोटा कौन होगा? घटता है पीरियड में, घटता है पीरियड में, तो नाइट्रोजन तो सर पक्का छोटा होगा कार्बन से, नाइट्रोजन तो पक्का छोटा होगा कार्बन से। अब आओ, मैंने बोला बच्चे ग्रुप में बढ़ता है, ग्रुप में बढ़ता है। अब ये आ जाओ, फास्फोरस और सल्फर, ये भी तो एक पीरियड में ना, फास्फोरस सल्फर पीरियड में है, तो फास्फोरस और सल्फर में कौन बड़ा होगा? फॉस्फोरस और सल्फर में कौन सा बड़ा होगा? फॉस्फोरस, बोल दो ना जरा, फॉस्फोरस बड़ा होगा यार यहां से बच्चों। और ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में साइज बढ़ेगा। ये यहाँ पे गौर से देखो, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस, उसके बाद आ जाएगा सल्फर, फिर आ जाएगा कार्बन, फिर आ जाएगा नाइट्रोजन। आंसर आ गया क्या? अरे बच्चे फास्फोरस सल्फर से बड़ा है, फास्फोरस सल्फर से बड़ा है, सल्फर जो डाउन द ग्रुप। अब बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोमल रुक जाओ, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी आप लोगों में से बहुत लोग होंगे कि सर पीरियड में तो मान लीजिए घट गया, तो मैं ये मान लेता हूँ कि कार्बन नाइट्रोजन ने अपने नाइट्रोजन को छोटा बोल दिया, लेकिन जब ये ग्रुप था फॉस्फोरस और सल्फर में, तो कार्बन नाइट्रोजन तो अगर हम सल्फर से कहें, जैसे कार्बन तुम्हारा बड़ा है ना, कार्बन बड़ा है, तो बहुत लोग कार्बन और फास्फोरस या सल्फर को ना नहीं कर पाते हैं। एक चीज अगर कभी समझ में नहीं आए ना, एक बात को सुनोगे क्या, बात को सुनोगे क्या मेरा? क्या सर, बोल दीजिए फटाफट। इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन से भी देख सकते हैं हम, कैसे? कार्बन नाइट्रोजन में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहां तक जाता है, पी ऑर्बिटल में, बोलो ना। 1s2 2s2 2p2 होता है कार्बन, और नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3,
लेकिन फास्फोरस और सल्फर में तुम्हारा डी ऑर्बिटल आ जाता है। तो जैसे ही एक नया ऑर्बिटल तुम्हारा एक्स्ट्रा ऐड हो गया, साइज बढ़ जाएगा। बोलो तो, बोलो ना जरा। तो कार्बन नाइट्रोजन से नीचे बोले ना, ग्रुप में साइज बढ़ता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? ऑर्बिटल्स ऐड होते जाते हैं बच्चों, साइज बढ़ती जाए। बोल दो ना जरा, क्लियर है क्या? तो इसका जो जो डी सवाल का जवाब दिए थे उनका सही। बोल दो फटाफट, बोल दो। अगर ये सही है, अगर ये सही है, हमको पता है टाइम खत्म हो चुका है आप लोगों का, लेकिन एक क्वेश्चन हम और करना चाहते हैं कि ये एक थियरी हम आपको बताते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या होता है। थोड़ा देर रुकेंगे, समझेंगे, तब जाएंगे। कोई लीव नहीं करेगा अभी, कोई लीव नहीं करेगा। सर मेरे को खेलने जाना है, नहाने जाना है, खाने जाना है, पीने जाना है, कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। चुपचाप बैठो और अभी बताओ क्यों। मिल लो, रोज नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो फटाफट ठीक करो कि मैं आप लोगों को पहले आयनाइजेशन एनर्जी समझा दूं क्या होता है। आप लोग बोल दो तो समझा देता हूँ। सर समझा बताओ तो दो। मैं समझा दूंगा। बोलो सर समझा दो। सर सर, समझा दीजिए। चलो बच्चे, कोल, मेरे साथ कॉपी पेन के साथ बने रहना, कोई अभी ना बोलना मत, लेकिन अनम्यूट करके बोलने का कोई जरूरत नहीं है। कॉपी पेन लो और आ जाओ मेरे साथ। हाँ जी सर, समझाइए अब। आयोनाइजेशन एनर्जी, एक बार तुम लोग ना फॉर्मल डिफिनेशन लिखो, ताकि तुम लोगों को ना फायदा हो जाए बोर्ड में अगर कभी लिखना हुआ। फिर मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ कि क्या होता है। तो लिखो बच्चों मेरे साथ, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट, ऐसी को बैलेंस बोलते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इन अ गैसियस स्टेट। ध्यान से समझो। ये पोल पोल गुड़िया ने, चुप रहो। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चे? जैसे कि मान लो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ तुम्हारे ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, चक्कर काट रहे होते हैं। कुछ मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कुछ इधर इलेक्ट्रॉन है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, दिख रहा है क्या? तो मान लो जो आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ना, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो न्यूक्लियस का फोर्स होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखता है बच्चों, खींच कर रखता है अपने तरफ, जिसको कि हम लोग बोस मॉडल में बोलते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। देखते हो ना, जब रस्सी से तुम लोग घुमाते हो, किसको आप लोग फिजिक्स में पढ़े होगे, बॉल को, तो रस्सी को छोड़ के नहीं भागता है बॉल, उस रस्सी के साथ अटैच रहता है, याद है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे बोल दो ना जरा, पढ़े होगे आप लोग 11th में, ये फिजिक्स का है, समझो, रिलेटेड है शिवानी, समझो पहले। तो जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चे, न्यूक्लियर का जो फोर्स होता है ना, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आपस में खींच रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स इसीलिए तुम देखोगे ना कि उस एटम से बाहर नहीं निकलते हैं, वो छोड़ के भाग नहीं जाते हैं कहीं भी। हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आवारा होते हैं, अगर फोर्स नहीं होता छोड़ के भाग गया होता, लेकिन अगर छोड़ के भाग नहीं रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स है जो कि उसको खींच के रखा हुआ है, और वो कौन सा फोर्स होता है? न्यूक्लियर फोर्स, जिसको कि आप लोग फिजिक्स में बोलते हैं, पढ़े होंगे फोर्स का फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, ठीक है क्या? उस फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जानवी बच्चे समझ रहे हो क्या? तो वो न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन को खींच के रखा हुआ है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है साहब? ध्यान सुनो, कुछ नहीं है वो सबसे कम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हम उस एटम को प्रोवाइड कर दे, जो कि हम उस एटम को प्रोवाइड कर दे, जिससे कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, उस एटम से बाहर निकल भाग, उस एटम से बाहर निकल के भाग जाए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। बस इतनी सी बात,
बस इतनी सी बात है कि वो मिनिमम एनर्जी जो तुम उस एटम में प्रोवाइड कर दो, जिससे कि वो जो सबसे लास्ट छुट्टा इलेक्ट्रॉन है ना उस एटम को छोड़ के, मतलब वो जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना तुम्हारे न्यूक्लियस का, उससे वो दूर निकल के भाग जाए, वो तुम्हारा होता है आयनाइजेशन एनर्जी। आ रहा है बात समझ में क्या? तो कैसे होगा सर, मान लो कि तुम्हारा ये एक ए एटम गैसियस फेज में, तुमने इसको यहाँ पे एनर्जी दे रखा है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग जाएगा छोड़ के इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन गया, इसको हम बोलते हैं IE1, इसको आयनाइजेशन एनर्जी को हम बोलते हैं IE, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होता है। यानी कि अब जो ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन था ना, ए पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकल चुका है, अब इसके बाद तुम और एनर्जी दे रहे हो। हमारा मन नहीं भरा सर, हम और एनर्जी देंगे। और एनर्जी देके क्या करोगे बच्चे, तुमने एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल लिया, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं IE2, मतलब IE1 में से, हाँ शिवानी, अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और मान लो पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक न्यूक्लियस 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो कुछ एनर्जी निकाल रहा होगा, तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब बचे 9 इलेक्ट्रॉन। अब यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 9 इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है, तो अब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, और तुम्हें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाता है IE2। कुछ बच्चे और नहीं मानेंगे, हम बोलेंगे सर हम IE2 में और एनर्जी देंगे और यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा A3+, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसको हम बोलते हैं IE3। जब भी सक्सेसिव तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी होता है, वो हमेशा ज्यादा होता है उससे पहले वाले से, यानी कि IE1 से IE2 हमेशा ज्यादा होगा, IE2 से हमेशा IE3 ज्यादा होगा, और IE3 बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। तो अब देखो ये क्वेश्चन को समझते हैं, लिखा है बच्चे समझो पहले, ध्यान दो, द आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिकॉज, नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, क्यों समझो, नाइट्रोजन है ना साहब, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखो 1s2, 2s2, 2p3, ऑक्सीजन का लिखो एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p4, दिख रहा है क्या? अरे बोलो ना, दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन, लास्ट आयनाइजेशन एनर्जी निकालो ना। देखो बच्चे, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब तुम कितना एनर्जी दो कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए। अब देखो तो नाइट्रोजन का है 2p3 और ऑक्सीजन है 2p4। सर ने एक बात अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था, क्या सर, कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इज इट मेकिंग सेंस, बोलोगे हाँ या ना, वहां से आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। इसका मतलब चूंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है बच्चे यहाँ पे, तो यहाँ पे तुमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लास्ट है ना वैलेंस है, वैलेंस यानी कि 2p से निकलेगा और यहाँ 2p4 से निकलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा है, इसलिए इसका IE आयनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है, आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब ये देखो बी, इसका आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, जो पी ऑर्बिटल से हाफ फिल्ड, उसके वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है, उसी के वजह से तुम्हारा नाइट्रोजन के ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर गाइस, अभी और मजा आएगा, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग, अगली क्लास में कुछ ज्यादा करेंगे। ए ऑक्सीजन क्लोरीन में से किसका होगा, ऑक्सीजन क्लोरीन में से किसका होगा, कुछ खुद से भी कर लो कॉमन, सर ने जब इतना बता दिया तो आप कर सकते हो, खुद से कर सकते हो कुछ ना कुछ। ठीक है आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए आप लोग खूब मन लगा कर पढ़ें, अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखें, तब तक के लिए टाटा बाय। मेरा नाम आनंद मोहन शिवानी, मेरा नाम आनंद मोहन, तब तक के लिए बाय, फिर से मिलेंगे हम लोग।